हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। बेटा। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। क्या करवा रहे थे? नेल झड़ने वाला चल रहा था ना? हर यस मंदिर मैम। को है, मैम हर हर मंदिर को मंदिर है। साहिब। इसमें कहाँ तक हो चुका था? सारे मैम सारी एक्सरसाइज हो गई थी, बस क्वेश्चन एक्सरसाइज सही क्वेश्चन है। आंसर बचे। अच्छा, ये बताओ, दिए गए प्रश्न के उत्तर एक शब्द अथवा वाक्यांश में दीजिए। ये हो गया था? यस ये मैम। यस मैम हो हो गया गया था ना? था। बाकी तो नहीं था ना इसमें कुछ? तो नो मैम। बेसिक्स वाला कराना है ना आपको? यस ठीक, मैम। स्टार्ट करें। सब आ गए हो? यस यस मैम। यस मैम। पहला पूछा गया है। समित, माइक ऑफ करो बेटा। यस दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपसे क्या पूछा गया है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गुरु अर्जुन देव जी ने गद्दी पर विराजमान होने पर क्या विचार किया? मैम मैं बताऊं इसका आंसर? हाँ बताओ। दुर्गेश, दुर्गेश पहले। गुरु अर्जुन देव जी ने गद्दी पर विराजमान होने पर विचार किया कि अमृत सरोवर के बीचों बीच एक ऐसे सुंदर हर मंदिर का निर्माण किया जाए जिसकी भव्यता अनुपम हो, साथ ही स्थापित कला की दृष्टि से भी जिसका कोई सानी ना हो। यहाँ तक इसका यस आंसर क्या हो मैम। जाएगा? विराजमान होने पर क्या विचार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन थे ये? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। आंसर नंबर फर्स्ट, सिक्स का। ठीक, पंचम गुरु। पंचम गुरु का मतलब जानते हो क्या अर्थ होता है? यस मैम। पांचवें गुरु। पांचवे गुरु। वेरी गुड। पांचवें गुरु किसके पांचवे गुरु? किसके सिख मैम। सिख के। गुरु? वेरी गुड। पंचम गुरु, अर्जुन देव। पंचम गुरु अर्जुन देव जी ने गद्दी पर, वो बंद कर दो, किसी का माइक आवाज कर रहा है। गद्दी पर विराजमान होने पर विचार किया कि विचार किया कि विराजमान होने पर विचार किया कि अमृत सरोवर, अमृत सरोवर के बीचों बीच एक ऐसे सुंदर मंदिर सुंदर हर मंदिर का निर्माण किया जाए, निर्माण किया निर्माण किया जाए जिसकी जिसकी
जिसकी भव्यता अनुपम हो, अनुपम हो, साथ ही स्थापत्य स्थापत्य कला की स्थापत कला की दृष्टि से भी जिसका कोई जिसका कोई सानी ना हो, सही है? यहाँ तक रख लो, लिख लो, लिखने के बाद बताइएगा, ठीक है? सभी बच्चे लिखने के बाद बता देना। हो गया, यस मैम, सबका हो गया, यस मैम। रख करें बाकी बच्चों का, समित, दृष्टि, नव्यांश, दुर्गेश, आकांक्षा। यस मैम, हो गया। आकांक्षा आपका हुआ? यस मैम। रख कर रहे हैं हम? यस मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा है दुर्गेश? अब मत बताइएगा आप। हर मंदिर साहिब के चारों ओर चार द्वार क्यों बनवाए गए? आकांक्षा पाल बताओ, आकांक्षा बुक से आंसर देख के बताओ कि हर मंदिर साहिब के चारों ओर चार द्वार क्यों बनवाए गए? मंदिर साहिब के चारों ओर चार तरफ बनवाए गए ताकि किसी दिशा से किसी की जाति अथवा धर्म का कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर ईश्वर के अधर्म कर सके। आराधना, आराधना लिखा है बेटा, आराधना, आराधना कर सके। इसका आंसर हो जाएगा हर मंदिर साहिब के चारों ओर चार द्वार बनवाए गए गए ताकि किसी भी दिशा से किसी भी
किसी भी जाति अथवा धर्म का कोई भी व्यक्ति यहां आकर सिस्टम माइक ऑफ कर दो। यहां आकर क्या करें? ईश्वर की आराधना कर सके। यहां तक लिखो, ये है अंक नंबर 2। लिख लो, मैम हो गया, बाकी बच्चों को बाकी हो गया, यस मैम हो गया, हो गया, यस मैम, यस मैम, रफ करें, यस मैम, यस मैम, समित आपका भी हो गया, समित माइक ऑन करके यस नो में आंसर दे दो बस। मैम यस मैम हो गया। चल थर्ड क्वेश्चन है, नव्यांश माइक ऑन करो। नव्यांश हट गया, नाम लेते ही ये हट जाता है, ठीक है, ऐसे इसकी पढ़ाई होगी। नेक्स्ट है आरुषि कुमारी, मेरा माइक ऑन करो। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब को हर मंदिर साहिब में कैसे लाया और वापस ले जाया जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब को हर मंदिर साहिब में कैसे लाया और वापस ले जाया जाता है? इसका आंसर बताओ। दो बच्चे बताएंगे, सृष्टि आरुषि में कोई एक बच्चा बताए। मैं बताऊं? बताओ। गुरु ग्रंथ साहिब को हरमंदिर साहिब में सोने की पालकी में लाया और ले जाया जाता है। और बस इसका आंसर यही होगा। मैम मैं बताऊं? नहीं। यस मैम, और है, प्रतिदिन सुबह 4:30 और 5 बजे के बीच अकाल तख्त साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब को सोने की पालकी में हर मंदिर साहिब में लाया जाता है और पूर्ण धार्मिक मर्यादा उनका प्रकाश किया जाता है। रात को कीर्तन समाप्त होने पर गुरु ग्रंथ साहिब को उसी मर्यादा से वापस अकाल तख्त साहिब ले जाया जाता है। आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहिब को हर मंदिर साहिब में कैसे लाया और वापस ले जाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका अंदर आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 है, ठीक है। आंसर नंबर क्या है ये? 3 सही बताई हो सृष्टि, ठीक है। प्रतिदिन सुबह
प्रतिदिन सुबह साढ़े चार और प्रतिदिन सुबह साढ़े चार और पांच के बीच अकाल तख्त साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब, रुक जाओ एक मिनट, गुरु ग्रंथ साहिब को सोने की पालकी में हर मंदिर साहिब में लाया जाता है। और पूर्ण धार्मिक मर्यादा से उसका प्रकाश किया जाता है। बाकी बच्चों का? यस मैम, हो गया। मैम अभी थोड़ा सा है। मैम हो गया। साहिब को उसी मर्यादा से वापस अकाल तख्त साहिब ले जाया जाता है। नीचे वाला हो गया है सबका? यस मैम, हो गया। मैम हो गया। अरुषि आपका बाकी था, हो गया? यस मैम, नीचे वाला। मैम मेरा पूरा हो गया। लिख लो यहाँ तक।
लिए हो गया। लाम मेरा लिखे आगे चल रहे हैं। हर मंदिर साहेब की रौनक किस समय देखने के लायक है? समय समय समेत बेटा आंसर बताओ इसका क्या होगा। हर मंदिर साहिब की रौनक किस समय देखने लायक होती है? बोलो बेटा समेत आंसर बताओ, जो समझ में आ रहा वो बताओ। आरुषि आपको पता है इसका आंसर? यस मैम। बताओ। गुरु रामदास तथा गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के समय भी हर मंदिर साहिब की रौनक देखने लायक होती है। नव्यांश आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। नव्यांश, हर मंदिर साहिब की रौनक किस समय देखने लायक होती है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा फिफ्थ वाले का? बताओ। बोलो नव्यांश बेटा बोलो। और कोई बताएगा? नव्यांश ने नहीं बताया आंसर। नव्यांश रुक जाओ। नव्यांश बेटा आप आंसर नहीं बोलते हो ना, फिर हमें नहीं समझ में आता पढ़ाई क्या कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी गलत सही कुछ तो बताया करो। मैम एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम दिख रही है। चलो इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, सृष्टि बताएगी। सृष्टि तुम बताओ। ओके मैम। गुरु ग्रंथ साहिब प्रथम प्रकाश दिवस गुरु नानक, गुरु रामदास तथा गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के समय भी हरमंदिर साहिब की रौनक देखने लायक होती है। आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर क्या है? फिफ्थ है ना आंसर नंबर? फिफ्थ है ना? यस मैम। नो मैम, फोर्थ है। फोर है मैम। फोर्थ नंबर है। फोर्थ, फिफ्थ नहीं है इसमें। फोर ठीक। तो क्या हो जाएगा इसको? गुरु ग्रंथ साहिब प्रथम गुरु ग्रंथ साहिब प्रथम प्रकाश दिवस दिवस गुरु नानक गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु ग्रंथ साहिब प्रथम प्रकाश दिवस गुरु नानक गुरु रामदास तथा
गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह के प्रसंग उत्सव के समय भी हर मंदिर साहिब की रौनक देखने लायक होती है। गुरु ग्रंथ साहिब प्रथम प्रकाश दिवस गुरु नानक, गुरु रामदास तथा गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के समय भी हर मंदिर साहिब की रौनक देखने लायक होती। क्या मैम हो गया? ठीक है बेटा, बाकी को जाने दो। हो गया मैम। मैम हो गया। मैम बाकी किसी का बाकी है? नो मैम। नहीं ना, देखो आप, अब आपको एक चीज बता दो, इसमें आप उन सभी लोग बोलिएगा, ठीक है? इसमें से चैप्टर नंबर 5 से अभी तक क्या क्या किए हो? यस मैम बोलो। चैप्टर नंबर 5 पांचवा चैप्टर, उससे क्या क्या किए हो अभी तक? मैम शब्दार्थ, कठिन शब्द और दिए गए ग्रंथों को पढ़कर सही विकल्प पर का चिन्ह लगाइए। दुर्गेश गद्यांश लिखा है कि ग्रंथ लिखा है? मैम गद्यांश। हाँ, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते ग्रंथ हो, ग्रंथ में चली गई ना। यस लो भी, सोने की पालकी में, सोने की पालकी में चले गए ना। सेकंड से और क्या किए? और क्या किए? दिए गए रिक्त स्थान भरिए सही कथन पर तथा सही कथन पर सही तथा गलत का कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। उसके बाद सही मिलान कीजिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक अथवा वाक्यांश में दीजिए। एक फिर मैम दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैम यहाँ तक कॉपी में कर लिए, यहाँ तक कॉपी में हो गया है, बाकी बच्चों का यही तक हुआ है। जो लास्ट 6 वाला है वो आपने किए होंगे, बाकी 5th तक किए हो ना। मैम मैंने 6 भी कर लिया। ठीक है, बाकी बच्चों की बात कर रहे हैं। समय समय बाकी जो बच्चे हैं बताइए जरा। Yes, हुआ है, 5th तक हुआ है ना आप लोगों को? आप लोगों ने 5th तक किया है ना? ठीक है, आज की डेट डाल के 6th तक कर लो। 6th तक हो जाता है तो फिर आप लोग कॉपी सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट है। यस मैम। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट है, चाहे आज कल, चाहे नहीं कल तो सॉरी छुट्टी रहेगी, या फिर नेक्स्ट डे पे कल के बाद। बकरीद है ना मैम? कल बकरीद है ना? और इसलिए भी अगर आज जमा करते हो तो कॉपी पता नहीं इतनी जल्दी मिल पाए कि ना मिल पाए, इसलिए जब छुट्टी के बाद, मतलब ये कब, फर्स्ट डे को आप लोगों की कॉपी आ जानी चाहिए। जहां तक हम करवा दिए वहां तक आप लोग काम कंप्लीट कर लो सब। और क्या हिंदी व्याकरण का भी हो जाना चाहिए। मैम ये देखिए, हाँ देख लिए बेटा, अच्छी बात है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। मैम कॉपी जमा करने के चेक करने के लिए स्कूल में भेजी थी तो मैम हो गई चेक? हाँ हो गई है। यस मैम। बाकी आकांक्षा तुम बोलो क्या कह रही हो? मैम लैंग्वेज भी करवा चुकी हैं।
हिंदी दर्शन में बता दो कांशा को कहां तक करवा दिए हम? थ्री चैप्टर। यस मैम। हुआ है थ्री चैप्टर तक, ठीक है? यस। चलो और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। हाँ बोलो मैम। लैंग्वेज कॉपी भी स्कूल में जमा करेंगे। चलो छुट्टी के बाद, आज की नहीं बात कर रहे, बकरीद के बाद आपकी जो छुट्टी के बाद थर्सडे को आप लोग कॉपी दोगे, ठीक है? दो दिन का टाइम है, दो दिन में काम कंप्लीट कीजिए अच्छे से। यस मैम। यस मैम। ठीक, अच्छी बात है। थैंक यू बच्चो। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम।